सब्सक्राइब कीजिए सबसे तेज न्यूज चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट समाचार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर निकाय के चुनाव में स्टार प्रचारक अब जुबानी हमले करने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने आज सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में योगी उत्तर प्रदेश को रोगी बना दिए है। वही एक कविता के माध्यम से संजय सिंह ने ओवैसी पर भी निशाना साधा। देखे संजय सिंह ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश आज अपराध प्रदेश के रूप में तब्दील होता जा रहा है। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो 60 मासूम बच्चे ऑक्सीजन में कमीशन के चक्कर में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में मर गए और 1000 से ज्यादा बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। योगी ने 6 महीने में उत्तर प्रदेश को रोगी बना दिया है। रोगी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नगर निकाय का चुनाव एक बड़ा मौका है जहाँ जाति धर्म के बंधन को तोड़कर एक बड़े बदलाव के लिए लोगों को हाथ में झाड़ू उठाना चाहिए। और एक बार आपने मोदी जी को मौका दिया, एक बार योगी जी को मौका दिया। ये चुनाव ये है जहाँ पर शहर को साफ करने की जरूरत होती है और सफाई के लिए हाथ में झाड़ू की जरूरत होती है। आज मैं आजमगढ़ तेज बहादुर यादव जी के लिए और अपने बाकी जो सभासद के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगने आया था और काफी अच्छा समर्थन यहाँ दिख रहा है। मुझे पूरा यकीन है तेज बहादुर जी और हमारे सभासद यहाँ से विजय हासिल करेंगे और एक बड़ा संदेश आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती से जाएगा। अभी चुनाव के मौके पर मंदिर मस्जिद के नाम पर फिर से नौटंकी शुरू हो गई है। इस पे मुझे यमुना जी की एक कविता याद आती है जिसको मैं थोड़ा सा संशोधित करके बोलना चाहूंगा। नमाजी भी नहीं है जो पुजारी भी नहीं है जो वो मस्जिद और मंदिर के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खियों में योगी और ओवैसी रहते हैं। हम इस राजनीति को बदलना चाहते हैं। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इस देश के लोगों को लड़ाना बंद करो। अगर दोनों पक्षों को खुद से बातचीत करने का मौका दिया जाए तो एक समाधान हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी समाधान निकालने की कोशिश करेगी तो जो लोग 30 साल से घमासान करा रहे हैं वो समाधान नहीं निकाल सकते। 1400 करोड़ रुपए निर्मोही अखाड़े ने एक संगीन आरोप लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पर घोटाला किया, जो चंदा इकट्ठा किया था। भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि ये संतों के द्वारा उठाया गया मामला है। निर्मोही अखाड़ा के संतों के द्वारा उठाया गया मामला है, उसका जवाब विश्व हिंदू परिषद को सामने आकर देना चाहिए। मैंने तो भाजपाइयों के लिए और इन लोगों के लिए एक पंक्ति बनाई है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से।